हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे ग्लैडियस के बल्ब कैसे लगाते हैं। तो लगाते समय तो नहीं दिखा पाए, लेकिन उसका पौधा हम दिखाएंगे आपको और हम इसमें से निकाल के दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बल्ब होता है। देखो, ये देखो इस तरीके से बल्ब आता है। ये तो छोटा है, वैसे और बड़े बड़े भी आते हैं, तो आप इस तरह से लाओ, नर्सरी में इस टाइम मिल जाएगा और ले आके लगा लो। सर्दियों में इतने फूल इसमें अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे फूल आते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो मैंने कई लगा रखा है, इसके अंदर कई सारे हैं, तो ढेरों फूल आ जाएंगे। फिर तो अभी लगाओगे आप तो सर्दियों में ढेरों फूल आपको मिल जाएंगे। सर्दियों को बहुत ही खूबसूरत फूल है ये, और शादी ब्याह में बुक बनाते हैं ना, बुक में भी लगाते हैं इसको। बहुत ही खूबसूरत फूल आता है इसमें। आपको मैं निकाल के इसलिए दिखाई कि आपको समझ में आ जाएगा। प्याज की तरह होता है, जैसे प्याज में छिक्कल होता है ना, वैसे ही प्याज की तरह ही होता है ये। और ले आके फिर इसको लगा लो आप। और जब आप बल्ब ख़रीदोगे, इसका बल्ब, तो उसे दबा के ज़रूर देख लेना। अगर टाइट है तो ठीक है, और अगर पिचका पिचका सा है तो मत लेना उसे, वो सड़ जाएगा। और मैंने देखो जितने लगाए थे मेरे सारे हो गए, एक भी सड़ा नहीं है, वैसे अच्छे निकले हैं। इसका मैंने पौधा ख़रीदा था पहले, तो उसी का बल्ब मेरा चलता ही आ रहा है। हर साल मैं लगा देती हूँ इसी तरीके से, और फूल आ जाता है। तो जब आप नर्सरी से लेके आओगे या आपके पास है तो लगा लो, यही समय है लगाने का। और बल्ब उठा के रख दो, फिर दोबारा लगा लो। मैं उसी गमले में नहीं छोड़ती, इसे निकाल लेती हूँ, निकाल के रख दी थी, अब मैं इसे लगाई हूँ। अब देखो ये 15-16 दिन हुआ होगा लगाए, और देखो कितने अच्छे इतने बड़े बड़े हो गए, बहुत जल्दी बढ़ गए ये। देखो छोटे से ही गमले में है। अब मैं इसको इसमें से कुछ तो निकाल लूँगी, थोड़े और बड़े हो जाएं, फिर कुछ निकाल के दूसरे में लगा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना इसमें, गमला है छोटा। तो अभी तो मुझे यही गमला मिला, तो मैं इसी में लगा दी। अभी गमले खाली होंगे ना, अभी गुलदुपहरी का गमला खाली होगा, गर्मियों के फूलों का गमला जब खाली हो जाएगा फिर उसमें लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप लगाया करो, बहुत सारे आपके पास पौधा हो जाएगा। और बल्ब फेंकना नहीं। अभी से तैयारी कर लो सर्दियों की। अभी तो और बीज लगाऊंगी जब दिखाऊंगी मैं आपको। और इसमें जो नन्हा सा ये उग रहा है ना, ये छोटा सा, ये पेपर फ्लावर है। पेपर फ्लावर का बीज डाली थी मैं इसमें, तो वही निकल रहा है। अब ये बढ़ेगा जब पता चलेगा। देखो ये भी है नन्हा सा, पेपर फ्लावर के बीज इसी में डाल दी थी। पेपर फ्लावर के भी बीज मैं उठा के रख ली थी, वही डाल दी थी। अब एक गमले में आप बीज भी डाल दो, बल्ब भी डाल दो, दोनों ही आपका तैयार हो जाएगा। फिर अलग अलग कहीं भी लगा लो, जैसे जैसे गमला खाली हो वैसे वैसे लगा लो। तो जगह के ऊपर है ना, गमला और जगह दोनों चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह बल्ब लगाया जाएगा। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।